प्री डिसाइडेड है, क्योंकि कहते हैं हर एक की जिंदगी में मृत्यु का समय तय है, जब आएगी मौत तब आएगी। क्या अकाल मृत्यु, क्योंकि अकाल है जिसका समय तय नहीं, तो क्या ये भी प्री डिसाइडेड होती है कि आपकी डेथ ऐसे होगी? ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारी मृत्यु डिसाइडेड नहीं होती। ओके। हमारी मृत्यु के लिए 3 एग्जिट पॉइंट होते हैं जो हमारी सोल को पता होते हैं। ओके। तो जब भी मैं किसी की मीडियमशिप करती हूँ, मैं बताती हूँ ये एग्जिट पॉइंट नंबर 1 से गए, ये 2 से गए, ये 3 से गए। ओके। तो कभी कभी एग्जिट पॉइंट नंबर 1 क्या होता है कि सोल को लगता है कि हमारा तो काम नहीं बन पाएगा, हम जिस पर्पस के लिए आए थे वो तो नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल, कोई यहाँ पे आध्यात्म का काम करने आया है, दूसरों की सेवा करने आया है, लेकिन वो ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। वो उसी विक्टिमहुड में चला गया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ रेप हो गया, मेरे साथ अब्यूज हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, और ऐसे ही उसने अपनी जीवन जी लिया, और उसके अंदर वो कभी भावना ही नहीं आ पाई कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ। अब इस सोल को 25 या 30 साल में रियलाइज हो गया कि ये जन्म तो वो नहीं है जिसमें मैं अपना पर्पस पूरा कर सकता हूँ। तो वो कभी कोविड का सहारा लेके, कभी कोई और सहारा लेके, जो पोर्टल खुलेगा। ओके। कोविड के टाइम पे पूरी दुनिया का पोर्टल खुला था। बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना सोल पर्पस मीट नहीं किया वो इस खुले पोर्टल में बिना बात के निकल गए। इनफैक्ट उनके घर वाले ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इसकी मौत कैसे हो गई। कईयों को तो कोविड था भी नहीं, और कईयों को एक ही दिन में होके नेक्स्ट डे ऐसे भी थे जो बिल्कुल ठीक थे और अचानक से उनकी डेथ हो गई। ये वो लोग हैं जिनका, जिनके सोल को समझ आ गई थी कि उनका लाइफ पर्पस नहीं मीट होने वाला। तो ये हुआ एग्जिट पॉइंट नंबर 1। एग्जिट पॉइंट नंबर 2, अगर आप एक बार मौत को चकमा दे देते हो, सपोज आपका एग्जिट पॉइंट नंबर 135 पे आना है, एग्जिट पॉइंट नंबर 2 40-45 में आना है, और 370-75 में आना है, तो 40-45 में आपके साथ कुछ ड्रास्टिक चीजें, ट्रेजिक चीजें, सडन चीजें, खतरनाक चीजें हो सकती हैं। ऐसे में आपका सोल फिर डिसाइड करेगा, क्या मैं निकल जाऊं या बाकी के 30 साल जीने में कोई फायदा है। अगर उसको लगेगा नहीं मैं ट्रैक पे हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वो उस बीमारी को या उस एक्सीडेंट को ओवरकम कर लेगा। नियर डेथ एक्सपीरियंस तो एक बहुत स्ट्रांग बात है, लेकिन आप जानते हैं ऐसे लोगों को जिनको एक्सट्रीम वायरल कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी को कोविड ही हो गया, लेकिन वो जिसे कहते हैं मौत के मुंह से बाहर निकल आना, बिल्कुल वो पॉइंट 2 होता है। विल पावर पे कई बार डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि ये पेशेंट कोमा में है, अगर ये खुद विल पावर अच्छी रखता होगा, जीना चाहेगा, तो वो जीत लेगा। हाँ, तो ये होता है एग्जिट पॉइंट नंबर 2, और 3 में तो होनी ही है। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट कि मौत लिखी होती है, उसकी डेट लिखी होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी सोल के पास चॉइस होती है। ओके। सो एज अ डेथ स्पेशलिस्ट जब मैं लोगों को कंसल्ट करती हूँ, जब वो मेरे पास मीडियमशिप के लिए आते हैं कि ये क्यों चले गए, तो मैं उनको बताती हूँ ये इनका एग्जैक्ट पॉइंट नंबर 2 था, इनको ऐसा लगा होगा, फिर वो कहते हैं हाँ ऐसा लगा था।